बृहस्पति देवों के गुरु है। अब बृहस्पति हो तो धन है जीवन, नहीं तो बृहस्पति नहीं तो धन नहीं, दरिद्रता। इस तरह से धन को एक बड़ा विशाल स्वरूप दे दिया। सिर्फ रुपया पैसे चांदी सोने के सिक्के को धन मानना मूर्खता है। जीवन को ही धन माने से धन्यभागी हो जाते हैं, और जीवन में धन्यभागी महसूस करना ही सबसे बड़ा धन। जो अभाव में पीड़ित रहते हैं, अभाव में बने रहते हैं, वो धनी नहीं है। जो धन्य होते हैं वही धनी है, और धन्यभागी हो जाए वो सच में धनी है। वो धनतेरस का यही है। अपने जितने भी अपने जीवन में मिला है आपको, इन सब को याद करो, इन सब के लिए कृतज्ञता व्यक्त करो, शुक्रगुजार करो, कृतज्ञता व्यक्त करो, यही है धनतेरस का लक्ष्य। सो धनतेरस के इस लक्ष्य को लेके उपलक्ष्य में क्या करते हैं, अपने घर में जो भी चीजें रखी हुई है सब सामने रखे, अरे हमारे पास तो भरपूर है भाई सब कुछ। वो याद आते ही अभाव मिट जाता है, लोभ मिट जाता है। जब तक लोभ और अभाव ना मिटे जीवन में, तब तक मन समझना दरिद्रता ही बनी रहे। लोभ अब अभाव मिट गया, तृप्ति झलकी तो दिया जल गया, समझो अंधेरा मिट गया। ये अंधेरा मिटने के लिए हमें क्या चाहिए, ज्ञान की दिया चाहिए।